वल्लभ भवन में आज शिवराज कैबिनेट की काफी अहम बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों को एक सौगात दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा, जिसमें कि 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को अब चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा और ये वेतनमान 1 जुलाई 2023 से दिया जाना मंजूर किया गया है कैबिनेट द्वारा। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण कैबिनेट ने निर्णय लिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 6 और नई आईटीआई खुलने के लिए मोहर लगाई है और इसके साथ साथ नई तहसील नर्मदापुरम और सीधी में नई तहसील बनेंगी। 2 तहसीलों को मंजूरी दी है तहसील बनाने के लिए। इसके साथ साथ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में तेजी लाने के लिए जो प्रस्ताव आया था उसको भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ MSME को औद्योगिक भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। मुद्रा योजना का नवीनीकरण पर मंजूरी दी गई है। जो लोग मुद्रा योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें उद्यम क्रांति का भी लाभ मिल सकेगा। इसके साथ तमाम और सारी चीजों पर भी डिस्कस हुआ। कर्मचारियों के हित में, छात्रों के हित में एक श्रृंखला कैबिनेट ने निर्णयों की है। आज कर्मचारियों के हित में जो हमारे कर्मचारी 35 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं उन्हें चतुर्थ समयमान का लाभ देने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। ये अवधि 1 जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत का कैबिनेट ने तय किया हुआ है, जो आगामी कैबिनेट की बैठकों में भी आ सकता है। इस समय कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल से भारत एक्सप्रेस के लिए अजय भटनागर।